together this time. So we just reached Kochi Airport, and the view from here is quite different as the main airport where they can generally. And from here, basically, we are going to Tekri. We'll be there for 2-3 days, and then from there we'll go to Munnar. So it's a, like 1 week plan in Kerala we'll be exploring. And yeah, after a week we'll come back. टेकरी, और अभी हम रास्ते में रुके थे. पीछे आपको जितने भी मेरे ट्रीज दिख रहे हैं सारे रबड़ के ट्रीज है. पूरा ये रबड़ ट्री का फॉर्म है, जितने भी वो बनते हैं ना, टायर वायर जितना सब कुछ बनता है वैसे बनता है. मैं एक स्किन कट करके इसमें ये अपने आप आता है क्या? हाँ. अभी कटिंग नहीं, ये बारिश का टाइम है इसलिए. अच्छा, ये निकलता है यहाँ से? हाँ, अपने आप निकलता है. ये है क्या? अच्छा, ऐसा कुछ होता है. ये बड़ा बड़ा शीट पे आके. और ये किस लिए लगा हुआ? ये पानी डाल नहीं आना चाहिए. पानी जो अच्छा. शेल में कल करता है वो मिलके. अच्छा अच्छा, ये क्या अमेजिंग फार्म है. कोची में पहुँचे थे तो फुल धूप थी. अभी हम टेकड़ी पहुँचने वाले और इट्स कम्प्लीटली डार्क, और अभी सिर्फ 4 बजे यहाँ पे. बारिश घमासान होने वाली लग रही है. जहाँ हम जाएँ वहाँ बारिश तो होनी है. पहाड़ों के रास्ते इतने मुश्किल होते हैं, मतलब रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं. ऐसा लग रहा है कब आएगा कब आएगा. अभी भी 50 किलोमीटर बाकी, और हम 12 बजे चले थे वहाँ से, अभी 5 बज चुके हैं. इतनी धीरे, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है ये. तो ये रास्ते में व्यू पॉइंट था, क्योंकि यू नो गाड़ी में बैठे बैठे हम थोड़े थक गए थे. हमने सोचा रुकते हैं ऐसे व्यू पॉइंट पर थोड़ी देर, 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं, ठंडी हवा लेते हैं तो अच्छा लगेगा. आई थिंक चाय या कॉफ़ी होती तो मज़ा आता. अच्छा, ऐसे रास्तों की चाय कॉफी नहीं, रास्ते पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है. गाड़ी तो सही चल रही है, और अभी पता है 50 किलोमीटर बाकी. अभी 50 किलोमीटर बाकी. हमें लगा था 3 बजे पहुँच जाएंगे, अभी 5 बज चुके हैं. लग रहा है रात तक ही पहुँचेंगे. पिक्चर्स और वीडियोज़ लेते हैं फिर चलते हैं. अभी सिर्फ 5 बजे हैं एंड इट्स डार्क. देखो ना पीछे लाइट वाइट सब जो लोग जला के आ रहे हैं, बहुत डार्क है अभी. बारिश कभी नहीं देखी, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, पूरा अंधेरा हो चुका है, और अभी तो 5:30 हो रही है. अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स लाइक क्रेजी. Just a roadside waterfall. This is the last pit stop that we took on the way. After that, we just wanted to reach to the hotel, and it took us about
one more hour. So if you're planning to come by this route from Kochi to Tikri, then try to come a little early in the morning so you can enjoy all the views. Finally, after 7 hours of long journey, we reached. Oh wow. Finally made it to the resort. So जिस resort में हम ये रुके हैं इसका नाम है the Mountain Courtyard और ये ऐसा कुछ room है यहाँ का. काफ़ी अच्छा लग रहा है, room काफ़ी बड़ा है. मैं वहाँ दिखाता हूँ पहले आपको, फिर बाहर जाएंगे. So ऐसा कुछ वॉशरूम है. ये मेरा सेटअप है. Hi, this is Ankit. Zakar. और मैं आपको सबसे अच्छी जगह जगह दिखाता हूँ इस रूम की, वो है बहुत तेज बारिश हो रही है, बट ऐसा लग रहा है बहुत सही लग रहा है. सुबह का वेट है फिर क्या देखने को मिलेगा. तो पूरा वो अमेज़न वाला जंगल लग रहा है पूरा. या सही बोल रहा है. एक्चुअली हम अभी आ रहे थे ना तो पता चल रहा था कैसा है. सुबह उठ के तो असली मज़ा जाएगा, बट आई थिंक द रिजॉर्ट इज क्वाइट गुड. आई लाइक दैट. बट अभी रिलैक्स करने का टाइम है और हम इस ट्रिप पे सिर्फ हम दो नहीं हैं, दानिश और मेरे साथ और भी लोग हैं. मैं खुद नहीं मिला हूँ अभी तक. फर्स्ट टाइम आई विल बी मीटिंग देम एंड आई विल शो यू कौन है. इट्स गोना बी लिटिल सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ट्रेनिंग क्वाइट हैवली. थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते डिनर करने बाहर. Hey guys, before we go further, let me talk to you about the sponsor of this video, which is Music Bear. They provide high quality licensed based music, like all of the songs that you are listening to in this video, they all are from Music Bear, and I have been using Music Bear from last few years. Like that's the reason I'm able to put up high quality videos, because of the kind of the songs that I use. And with Music Bear, it's quite easy to find songs. My favorite filters are Hasbuilt and Cinematic. And then I go through all the list and select and download the song, and that's how I use in my videos. And I have a Music Bear playlist also, if you want to check that out. It has all the songs that I've used in this video. So just go to the link in the description to sign up and use my coupon code Ankit to get first month free if you sign up for annual personal subscription. So let's move on to the next day. लास्ट नाइट हम टिकड़ी में पहुंच गए थे. बहुत बारिश पड़ती हुई. नाउ इट्स ब्यूटीफुल, वेदर इज़ वेरी क्लियर. और आज हम यहाँ पे टिकड़ी में आसपास प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं. बट उससे पहले मैं आपको ऐसे शख्स से मिला था जिनके साथ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. शीतल, शी इज़ माई फ्रेंड. शी इज़ एन एक्ट्रेस. शी वर्क्स इन साउथ इंडियन मूवीज. एंड डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? We've been planning this for a long time and finally hum dono ke schedules align ho chuke hain. Yeah. And then we'll be shooting together. Yeah. So I'm actually looking forward for it. Oh yes, and you're gonna see some of the BTS, so keep watching the video. Shall we go? Yeah. Kaafi achi property hai na? Bahut. Aur peaceful bhi bahut yahan pe hai. It is completely like cardamom plantation ke upar based hai, that's what they said. Oh. You get a lot of natural wildlife to see. हाँ, आसपास पूरा जंगल ही आसपास यहाँ पे. हम actually tiger reserve के पास ही रह रहे हैं, तो फिर that's why it's so, we are basically in a forest. हाँ. तो it's very pretty and very peaceful. Yeah, okay. और अभी हम जा रहे हैं सत्रम. आज हम जीप सफारी करने वाले हैं. हमने चलते चलते लोकेशन चेंज कर दी है और ये गाड़ी पीछे से ओपन कर दिया. आगे शायद ऑफ रोडिंग होने वाला है, तो हम क्या करेंगे?
बहुत अच्छे लगते कसम से। This is the first time actually. But I like. Never done this. No. My new dream. Oh. ठीक है, सो अभी हम सतरम के व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द व्यू पॉइंट एंड वहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है, वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। एंड दिस पीछे जो आपको मेरा दिख रहा है, दिस इज़ ऑल रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, सो दैट साइड यू कांट गो, सो आई एम गोइंग दिस साइड। एंड जो सतरम है इसका नाम मैं बता दूँ, काफ़ी स्पेशल है। सतरम आई गेस मलयालम वर्ड है और इसमें इसका मतलब होता है इन, मतलब जितने भी यहाँ पिलग्रिम्स होते थे वो यहाँ पे रास्ते में ऐसे रुक के जाते थे आगे। सो आगे यहाँ से पड़ता है शबरीमला, सो इट्स वन ऑफ द फेमस टेंपल इन इंडिया। तो जितने भी पिलग्रिम्स होते जो वहाँ पे जाते हैं वो यहाँ पे रुक के जाते हैं सतरम में। सो सतरम का मतलब होता है इन, सो दैट्स व्हाई इट गॉट द नेम। करके आज मज़ा आ गया, बट स्टिल अभी एक पॉइंट और बचा है जो कि टॉप है, सो विल गो देयर। सो अभी हम सतरम में हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं, चारों तरफ 360 डिग्री व्यू यहां से दिखेगा आपको पहाड़ों का। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, पूरा एरिया जो है यहाँ पे लेमन ग्रास से भरा हुआ है जो कि बहुत अच्छी स्मेल आती है जो इनको स्मेल करते हैं। तो बेसिकली इसको एज ए फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं हम घरों में, बहुत अच्छी स्मेल आती है। हाँ, यहाँ पे जितनी भी जगह है ना आपको अगर एक्सप्लोर करनी है सब ऑफ रोडिंग है, बहुत ऐसे 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 गाड़ी ही लेगी, दैट्स अ फन। सो और अगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको अच्छे शॉट्स लेने हैं कहीं भी, यू नीड गुड लाइट, दैट्स इट, दैट्स द रूल। अभी जो लाइट है एकदम सिर के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट धूप आ रही है, बारिश भी अच्छी नहीं होगी और ये धूप ऐसे भी अच्छी नहीं होगी, तो सुबह होनी चाहिए, शाम होनी चाहिए या फिर क्लाउडी होना, इसका इट शुड बी क्लाउडी एट दिस टाइम। सो ट्राइंग, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, अगर यहाँ पे अच्छी लाइट नहीं हुई सो विल हेड ओवर टू द नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ परंदमपारा। बहुत प्यारी लोकेशन है, ऐसा वीडियोज में मुझे दिखा था, आई होप तब तक वेदर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ा आएगा वहाँ पे जाने में। सो लेट्स सी, विल वेट फॉर सम टाइम, एवरीबडी इज़ देयर। So guys, that's it from this vlog, and this is the scene from the next vlog, and I can say that it's gonna be even more interesting, so stay tuned. Also, if you want to learn how I edit my travel videos, then there is a free course, just go to the link in the description. And with that said, I will see you in the next video. Make sure you hit the bell notification icon for the future videos, and till then, take care, bye bye,
धन्यवाद।